नमस्कार, संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सनई के फूल की सब्जी। ये हमने सनई के फूल ले लिए हैं, ये मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। और इसमें कुछ बंद फूल हैं, कुछ खिले हुए फूल हैं, और कुछ तोड़ते समय फूल डंठल आ जाते हैं और पत्तियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें डंठल को हटा लेते हैं और पत्तियों को भी हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं सभी फूलों को। साफ करने के बाद इसे दो तीन बार धुल लेंगे पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह नहीं लगी होती, वो नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। और इसे आप बॉईल कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा बॉईल करना होता है। और अगर नहीं बॉईल करना चाहते, गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप इन्हें भिगो दीजिए, गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर इन्हें डिप करके रख देना है, बस 5-10 मिनट। अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और इस तरह से हम 5 मिनट रख दिए हैं। अब 5 मिनट के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे किसी स्ट्रेनर में, पानी हमारा नीचे निकल जाएगा और ये देखिए हमारे फूल ऊपर रह जाएंगे। इससे हम पहले नहीं धुला था, इसे हम 2-3 बार पानी डाल के अब धुल लेती हूँ। अगर आप पहले धो लेते हैं यानी धुल लेते हैं तो ये आपको दोबारा नहीं धुलने की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से हल्का हल्का सा पानी निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं निकालेंगे। ये देखिए हमने धुल के रख लिया है, इस तरीके से पानी को ज्यादा नहीं हमने निकाला है, हल्का सा पानी ही निकाला है। अगर आप बॉईल कर लेते हैं अच्छे से तो आप पानी सभी निकाल लीजिए। इसमें कुछ मसाले हैं, हल्के फुल्के मसाले, थोड़े से धनिया साबुत, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से काले मिर्च के दाने, और ये लहसुन ले लिया कटे हुए थोड़े से। ले ली हमने कढ़ाई, कढ़ाई लोहे की होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, बनेंगे इसमें लोहे की कढ़ाई ले लेंगे। और इसमें डालेंगे हम ये मसाले, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तो ये अच्छे से सूखे मसाले पीस के तैयार हो जाएंगे। और ये मसाले हमारे भुन गए हैं। और ये हमने एक मिर्ची काट ली है, और मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला पीस के तैयार हो गया है, और इधर तेल ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा साबुत थोड़ा सा, और इसमें लहसुन और मिर्ची पका लेती हूँ। जब हमारे लहसुन का कलर चेंज हो जाता है, मसाले हमारे भुन जाते हैं, तब इसमें हम डालेंगे ये सनई के फूल। ये पहले काफी ज्यादा मिल जाते थे, लेकिन इस समय नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं, सीजन पे जरूर खाना चाहिए इन्हें। 1-2 बार लेके मार्केट में मिल जाते हैं। और इस तरीके से हम इनको भून लेंगे, क्योंकि हमने पानी में उग गया है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा पकाना पड़ेगा। अगर आप बॉईल करते हैं तो पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ही फ्राई करके रखना है। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, जैसे भुजिया वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनाना होता है। और गजब का टेस्ट आता है इसमें, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये ढक के हम रख दिए हैं कुछ मिनट के लिए। लोहे की कढ़ाई में बनती है तो इसमें आयरन आ जाता है हल्का सा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसमें हमने मसाले डाल दिए हैं, मसाले डालने के बाद मिला लेंगे अच्छे से, और ये हमारे फाइनली फूल बनके तैयार हो गए हैं, सनई की फूल की भुजिया सब्जी, जो भी आप कहें। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साइड में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस